मंदसौर जिले के भानपुरा थाना की पुलिस ने एक आरोपी सहित 1 करोड़ की स्मैक पकड़ी। मध्य प्रदेश और राजस्थान से सीमा सटी हुई थी। भानपुरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना मिली थी कि बैसुंदा मंडी से होता हुआ एक व्यक्ति सफेद टी शर्ट में काला बैग लटकाए हुए जा रहा है। पुलिस द्वारा मौके पर नाकाबंदी कर भैसुंदा मंडी पोस्ट ऑफिस के पास से गुजर रहे सफेद टी शर्ट वाले व्यक्ति को पकड़कर तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो अवैध रूप से स्मैक पदार्थ पकड़ी। पुलिस द्वारा व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसका नाम मोतीचंद निवासी टंडवा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया एवं उसके द्वारा बताया गया कि उसे साजिद खान निवासी गुवाहाटी असम ने गाजीपुर स्टेशन पर लाकर दी थी और उसके द्वारा भवानी मंडी के त्रिलोकचंद नामक किसी व्यक्ति को देनी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोतीचंद को पकड़कर उसके पास से अवैध रूप से 1 किलो स्मैक जब्त की जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी मोतीचंद के खिलाफ NTPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है। ये कल मुख्य द्वारा सूचना मिली थी हमारे सहयोगी को कि एक व्यक्ति है जो टी शर्ट पहने हुए बैग टांगे हुए भैसुदा मंडी के बाहर खड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन के पास में, उसके पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक की सूचना मिली थी। इस पर हमें पुलिस टीम द्वारा गठित की गई तत्काल यहाँ से रवाना किया गया उनको। तो मौके से 1 किलो स्मैक वहाँ से बरामद हुई है। ये बता रहा था कि ट्रेन से आया था इसको, ये जो मौर्य नाम है इसका आरोपी का, इसके द्वारा बताया गया कि शाजिद करके व्यक्ति है जो गुवाहाटी का रहने वाला है, इसने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसको दिया था माल और यहाँ किसी त्रिलोकचंद को देना है बता रहा है। कहाँ? भैसुदा मंडी में। कितनी मात्रा है और इसकी अनुमानित कीमत क्या है? 1 किलो स्मैक है और इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपये है। गरोड़ से विनोद सिंह पमार की रिपोर्ट।